नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लुगु मामा ब्लॉग्स पर। तो देखिए, आज मैं चूल्हे पे ही बना रही हूँ खाना। तो गैस वैसे तो भरवा तो ली है, शायद अभी गया होगा, सिलेंडर आ ही गया है, वैसे इस टाइम तो आ ही जाता है। बस वही है कि कोई लाने वाला नहीं है, रात पूछा ही दिया था किसी गैस। तो अब मैं बनाऊंगी कड़ी चावल। तो ये मैंने घोल भी बना दिया है, छोंक भी काट दिया है, तो काम तो हो गया सारा तैयार। तो मैं चूल्हे में आग जलाऊंगी और फिर छोंकूंगी कड़ी चूल्हे पे। चूल्हे पे तो रात दूध भी बच्चों का चूल्हे पे गर्म किया है, सारा काम चूल्हे पे। सुबह किट्टू का नाश्ता, उसे दूध देना, उसके लिए रोटी बनानी, सब चूल्हे पे ही हो रहा है आज तो काम। तो अब मैं जल्दी लगी हूँ आज खाने में। गैस पर ये रहता है कि जल्दी जल्दी बन जाएगा, आराम से बना लेते हैं। तो मैं चूल्हे पे आज जल्दी बना रही हूँ खाना। और कुछ सुबह इसके पापा जी का फोन भी आया था कि मैं जल्दी आ जाऊँगा 2-3 घंटे में, और 6:30 बजे आ गया था। उनका फोन 1-2 घंटे में कह रहे थे, अब तक तो आएगी। 11 बजने को हो रहे होंगे, 10, अब तक तो आएगी, पता नहीं फिर भी जब भी आएंगे। ये है कि चूल्हे पे अपना बना के रख देंगे जल्दी। तो जी देखिए, बैठ गई हूँ मैं चूल्हे पे और कर दिया है मैंने अपना काम शुरू। तो ये देखिए, जो सुबह की राख थी, जब सुबह किट्टू के लिए नाश्ता बनाया था, तो वो मैं निकाल रही हूँ चूल्हे में से। और इसमें पानी डाल के वो करके ना इसे वो करूँगी, वो पतीली जो है ना वो लिपूँगी, उस पर राख लगाऊँगी, क्योंकि फिर वो ज़्यादा काली हो जाएगी, इस वजह से इस पर राख लगा दूँगी। और पहले मैंने ना इसमें चाय बनाई थी, और फिर मैंने इसे अंदर से वैसे साफ़ कर ली थी। फिर मैंने सोचा लाओ इस पर इसमें कड़ी बना लेती हूँ आज पतीली में ही, और कढ़ाई में नहीं, आज पतीली में ही बनाऊँगी। तो हाँ पति, तो देखिए ये लीप दी है मैंने अपनी पतीली, लगा दी है इस पर राख। लीप ना बोलते हैं कि पतीली लीप दो या कुछ भी लीप दो हमारे यहाँ। तो ये लगा दी राख मैंने इस पर। तो चलिए जी, अब मैं ये राख जो है यहाँ पे गिल्ली हुई थी, तो ये मैं उठा के बाहर कूड़े में डाल आऊँगी, क्योंकि फिर यहाँ गिल्ला हो जाएगा। और फिर वो ये कि खाना बनाते टाइम वही गंदगी तो अच्छी नहीं लगती है, वो ये जितना कुबाड़ा फैला हुआ होगा उतनी ज़्यादा मक्खी वगैरह ये आती है। तो वो मैं डाल आई हूँ, हाथ भी धो के आ गई हूँ। तो अब मैं देती हूँ चूल्हे में झीणा, चूल्हे में आग जलाती हूँ, झीणा देना बोलते हैं सही गाँव में। तो ये मैंने लगा दी है लकड़ी, और लकड़ी ना ये बहुत बढ़िया सूख रही है उसकी है, ये तोर होती है ना, तोर की लकड़ी है ये। तो ये देखिए चूल्हे में लगाऊंगी, और सूख कितनी बढ़िया रही है कि देखिए, इनमें ही आग जल गई थी, इनमें ही लगा, जैसे माचिस जला के ना इनमें ही लगा दी थी, बारीक बारीक में तो आग जल जाती है इनमें, बहुत बढ़िया काम हो जाता है। और सही में बताऊँ, मैं तो सोच रही कि ना इनमें रोटी बना लूँ अब थोड़े दिनों, ये लकड़ी जो इतनी सारी रखी है ख़त्म हो जाएगी, अब सोच रही मैं करने का। तो ये एक गुस्सा रखा था, ये भी मैं तोड़ के थोड़ा सा लगा दूंगी इनमें, वो ये गुस्से का सौंक ना ऐसा सारा सा हो जाता है ना, तो ये आग बढ़िया जलती रहती है। और अगर अकेली लकड़ी रहती है तो ये थोड़ी जल्दी जल्दी बुझ जाती है, तो यही रहता है। तो ये देखिए पतीली हो गई थी गर्म, और पतीली में मैंने चढ़ा दिया है तेल। और आज सही पता, हवा बहुत चल रही थी, तो आग देखिए, आग सारी पीछे जा रही है, और कितनी मैं लकड़ी आगे कर रही थी ना, फिर भी पीछे जा रही थी, थोड़ी सी हवा की वजह से दिक्कत आ रही थी, और ना ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, बढ़िया आराम से खाना बन गया था। और मज़ा आया चूल्हे पर खाना बना के, खाने में भी और बनाने में भी। वो रहा तो वो ये कि चूल्हे का खाना चूल्हे का ही होता है, और गैस का गैस का ही होता है, गैस का नाम पहले ही गैस है, जिससे गैस का नाम गैस ही है कि गैस बनती है, इससे गैस के खाने से गैस बनती ही बनती है, चाहे कितने ही वो हो जाए। तो चूल्हे का खाना बड़ा वो रहता है कि हाँ शुद्ध रहता है, इससे कोई गैस घूस वगैरह नहीं बनती है, रोटी अच्छी रहती है चूल्हे की। तो ये देखिए वही है ना, पहले आदमी मोटे नहीं होते थे, वे चूल्हे की रोटी खाते थे, अब के मोटे पाते हैं क्योंकि वे गैस का खाना खाते हैं इस वजह से। तो जैसे मैं ही दिख रही हूँ, मैं ही मोटी हो गई हूँ गैस का खाना खा खा कर। तो बस वही है कि हम बच्चे होने के बाद आपका वजन बढ़ ही जाता है। तो ये देखिए ये भून गया है, और ये मैंने आज इनमें ना चावल भी डालने हैं, और क्या नाम, चावल डाल के अच्छी बनती है कड़ी, छोंक में कच्चे चावल डाल दो ना तो अच्छी बन जाती है। तो ये देखिए ये मैंने डाल दिया है, जो मैंने घोल बना के तैयार कर रखा था, तो वो भी डाल दिया है मैंने। अब मैं थोड़ी देर चला लूँगी, माँ जी काट रही थी आलू, इतने आलू कटेंगे इतने ये चला लूँगी मैं, और फिर आलू कट जाएंगे तो आलू डाल दूँगी। तो ये कट गए थे आलू, तो अब मैंने इसमें डाल दिया आलू। तो अब खादा लगने तक इसे चलाते रहो, और आँच तो कम ही करनी पड़ेगी इसी चूल्हे की, वही है तेज़ होती है गैस की, तो आराम से वो कर लो।
तो आग थोड़ी सी कम कम करके जब मुझे लग करना पड़ेगा, और ना उबल जाती है, और उबलती भी क्या है, जो खट्टी खड़ी होती लस्सी होती है वो ज़्यादा उबलती है, और जो ताज़ी लस्सी होती है वो उबलती नहीं है। तो हमारी लस्सी तो ताज़ी थी तो ये तो उबलने वाली है नहीं। तो ये देखिए कढ़ी में खद्दा लग गया है, तो अब इसे तो मैं ढक के रख दूँगी, और कम आँच में बिल्कुल देखिए थोड़ी थोड़ी आग जला रखी है मैंने, और इतने कढ़ी अच्छे से बनेगी इतने में ना आटा गूंद दूँगी, साथ के साथ आटा भी गूंद जाएगा। तो ये देखिए चूल्हे पे बैठी बैठी मैंने आज आटा भी गूंद दिया, सारा काम आज चूल्हे पे हुआ है, रसोई में कुछ भी नहीं हुआ है, रसोई बिल्कुल खाली है आज, सारा कुछ भारी हुआ है। तो ये देखिए अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, तो जी देखिए मेरा आटा हो गया है गूंद के तैयार, और साथ में कढ़ी भी बनती जा रही है। तो चलिए जी अब मैं इसे आटे को ढक के रख देती हूँ, और यहीं डुगू है, डुगू अपना उल्टे उल्टे काम करने में लगा हुआ है, अभी उसने चिची करी है और खाट पे ऐसे जाके लौट गया जैसे ये बहुत बड़ा बाबा है, और पजामी कहा कि पजामी पहन ले तो पहन नहीं रहा है, इसने ना खुद पहन लिया था अपना नेकर पर वो निकाल दिया और फिर पड़ गया, देखो देख कैसे पड़ गया है ये बाबा बन के, और बिल्कुल मैं देरी देखो देरी से नेकर पहन ही नहीं रहा, बार बार नीचे ही फेंक रहा है, मैं पहन ले पहन ही नहीं रहा, और बड़ी मज़े से पड़ा है सर के नीचे हाथ रख कर पैर फैला के, मैं मान जा पहन ले तेरी वो दिख रही बहु दिख रही, जब भी नहीं पहननी है इसने मान ही नहीं रहा बिल्कुल भी, बार बार नेकर नीचे फेंक रहा है। तो फिर मैं तो आ गई थी, मैं तो अपने काम में लग गई थी, फिर मजी भी ना आएगी सर नेकर, तो चाहिए खुद भी पहन लगा, पर इसकी मर्जी है, और कपड़े भी इसने भिगो दिए थे, ये बाद में ना पानी में लग गया था, पता नहीं क्यों इसने कपड़े भिगो दिए, क्या करा इसने मुझे ध्यान नहीं इसने क्या करा था। तो चलिए जी तो मैं आ गई थी अपने चूल्हे पे, बहुत हाँ कढ़ी तो बन गई थी, कढ़ी क्या चावल भी बन गए थे, कढ़ी चावल बनाए हैं मैंने, तो चावल बन गए हैं, तो अब मैंने चढ़ा दिया है चूल्हे पर तवा, तो अब मैं सेकूँगी रोटी। तो चलिए जी पहले रोटी सेकने के लिए चूल्हे में लगा लेते हैं लकड़ी, तो ये देखिए लकड़ी लग गई है, अब लड़िया से आग जल गई है, तो ये मैं सेकने लग गई अब रोटी, तो ये देखिए, तो देखिए जैसे ज़्यादा दिन हम चूल्हे पे काम करते, कोई भी काम हो करते रहते हैं तो आदत रहती है, पर जब करना छोड़ देते हैं तो थोड़ा सा वो हो ही जाता है, और करना भी छोड़ना क्या, कभी कभी तो हम जला ही लेते हैं चूल्हा, जैसे कि कभी पकौड़ी पकौड़ी बनाते हैं कुछ ऐसा करते हैं तब जलाते हैं, और वैसे तो नहीं करते हैं, तो पर फिर भी मैं चूल्हे पर रोटी बनाना नहीं भूली, अच्छी खासी रोटी बन गई थी मेरे पे, बढ़िया बन रही थी रोटी, और सही होता अच्छा लगा चूल्हे का खाना खा के ना, बड़ा वो सा हुआ कि हाँ चूल्हे का खाना वो है, वो ये अच्छा लगता है चूल्हे का खाना, वरना आजकल के टाइम में कहाँ चूल्हे का खाना मिलता है। तो अब मेरे पास लकड़ी रखी है हमारे घर कितनी, तो अब मैं चूल्हे पर खाना बनाया करूँगी ज़रूर, दूसरे तीसरे दिन बनाने की सोच है कि बनाया करूँगी। तो जी देखिए मैं लग रही हूँ रोटी सेकने, देखिए अच्छी बन रही है रोटी, फूल भी रही है, तो थोड़ी सी दिक्कत तो हो रही है, पर ये भी नहीं है कि हाँ इतनी भी दिक्कत नहीं हुई है, अच्छा बन गया खाना भी। तो चलिए जी आपको किस किस को चूल्हे का खाना खाना है आना ज़रूर, खा के ज़रूर जाना कढ़ी चावल चूल्हे के बने हुए, और कढ़ी चावल कढ़ी तो सही में बताऊँ चूल्हे की कढ़ी में और गैस की कढ़ी में ना अलग ही टेस्ट आता है, चूल्हे की कढ़ी ना जैसे खाते हो ना खुद ही पता चल जाता है कि हाँ ये चूल्हे की कढ़ी है। एक बार मैं इसकी बुआ के जा रही थी तो उन्होंने चूल्हे पर कढ़ी बना रखी है, तो मैंने तो एक चम्मच मुँह में देते ना मुझे पता चल गया था कि हाँ ये चूल्हे की कढ़ी है चूल्हे पर बनी हुई, सच्ची में चूल्हे की बहुत ही टेस्टी होती है। तो ये देखिए बन गई है रोटी, तो मैंने चूल्हे में से निकाल दिया है लकड़ी, और जो ये लास्ट की रोटी है ये सेक दूंगी, और उसके बाद मैं ये जो आग है ना ये सारी बाहर निकाल दूंगी, क्योंकि ये जल्दी ठंडी हो जाएगी, हवा चल रही है, फिर बार बार बच्चों का भी है, बच्चों का भी डर ही रहता है कभी ये हाथ उठ दे ले या कुछ कर ले, और ये बच्चे आपको पता ही है कैसे शैतान है। तो मैं आग बाहर निकाल के उसे फिला से क्या आ गई थी, और फिर आ गई थी रसोई में, और जो मेरे थोड़े बहुत बर्तन हो रहे थे वे बर्तन साफ़ कर लिए हैं मैंने, डिब्बे हो रहे थे, एक तो दूध का हो रहा था लस्सी का हो रहा था, तो ये सारे बर्तन मैंने कर दिए हैं साफ। तो अब मैं लेने जा रही हूँ तवा, तवा भी साफ़ करके रख दूँगी, वो ये ना फिर तो काला रहता है, और फिर वो कहीं रखो ना तो वो वहीं उसी जगह पे काला हो जाता है, और रसोई का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि स्लेब पे काला हो जाता है इस वजह से। तो ये मैंने हाथ में पन्नी पहन ली है, जब उसे पीछे से उसकी काला सुआ साफ करूँगी टंकी चला के, जब उसे अच्छे से रगड़ूँगी, तो ये देखिए रगड़ रही हूँ मैं अब, तो अब उल्टी तरफ से तो हो गया ये साफ, तो अब सीधी तरफ से इंटी रगड़ के अच्छे से, तो अब इसे सीधी तरफ से कर लेती हूँ बस साफ। तो ये देखिए बस सही में बताओ आज चूल्हे पर काम करके अच्छा मुझे सच्ची में बहुत लगा, पर ये है कि हाँ थोड़ा सा वो हो गया था मुझे, वही
जैसे हवा चल रही थी ना तो दिक्कत हुई, वरना ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हो गया है मेरा तवा साफ, तवा भी कर दिया है साफ। तो अब स्लेब साफ करके और रख दूंगी और फिर हो जाएगा मेरा काम ख़त्म। अब फिर डुगू ने कपड़े भिगो दिए, उसके कपड़े बदलने थे। तो ये देखिए अब मैंने स्लेब भी साफ़ कर दी है, थोड़ा सा लास्ट का रह रहा है, लास्ट का कपड़ा फेर दूंगी इसमें वो। तो चलिए जी ये हो गई है मेरी स्लेब भी साफ, तो हो गया है पूरा काम ख़त्म। तो अब चलते हैं बाहर रसोई में से, खाने पीने का काम हो गया है सारा ख़त्म। तो कपड़े क्या, कपड़े बदलने से पहले तो ये चूल्हा है, राख ठंडी हो गई थी तो ये चूल्हा कर दूंगी मैं साफ साथ के साथ ही। फिर बताइए मैंने आपको डुगू और ऐसे ही हैं, तो ये राख मैं सारी भर दूंगी और फिर लिप दूंगी चूल्हा। राख अच्छी खासी ठंडी हो गई थी ये, इसी वजह से मैंने बाहर निकाल दी थी कि जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो हो गई थी वो बढ़िया ठंडी। तो अब मैं लिप दूंगी चूल्हा। तो चूल्हा जैसे चूल्हा लीपते हैं ना और गरम गरम चूल्हा होता है तो उसमें तो बड़ी अच्छी खुशबू आती है मिट्टी की। तो सही बताओ किसी का खाने का मन करता है, कोई खाता है, पर मुझे सही बताओ मिट्टी से मेरा अजीब सा होता है, मुझे मिट्टी माटी ये बिल्कुल ऐसी चीज़ें पसंद नहीं है। बस मुझे सूंघ से अच्छी लगती है खुशबू, पर खाने खुने कोई कहता है कि सूंघ से खाने का मन करता है, भाई हमारा ऐसा कुछ मन नहीं करता है, बस अच्छी लगती है, पर ये नहीं है कि खाने का मन कर जाए। तो ये देखिए ये बैठा है डुगू, इसने कपड़े भिगो दिए, ऊपर का तो माजी निकाल दिया था पर फिर बदला नहीं था, वो कपड़े इसके ऊपर रखे थे या नीचे रखे थे, तो ये मैं लेके आ गई थी शायद ऊपर ही, हाँ ऊपर से लेके आई हूँ मैं। तो ये मैंने शर्ट पहना तो दी इसे, पर पहना के बड़ी पछताई हूँ सही में, इसने ना दिन में पता नहीं कितनी बार निकाल ली होगी, इसमें ना वो है चटकनी सी, वैसे वाली चटकनी है, बटन नहीं है, चटकनी है, एकदम खुल जाती है, इसमें पकड़ता है और कट कट खोल देता है। और कितनी बार इसने ये शर्ट निकाल लिया आज पूरे दिन में, रात को भी ना कई बार तो निकाल के ऐसे पड़ जाता था, और बनियानी बनियान में बहुत वो रोका इसे, पर मानना नहीं है, मैं ही पछताई पहन के मैं चलो कल को नहीं पहनाने की। तो ये देखिए इसे पहना के कपड़े, तो हमें बिठा दिया थे इसे, इसके लिए लेके आ गई हूँ मैं कढ़ी चावल। मान ले तुझे भूख लगी होगी, भूख कह रहा था ये कि मम्मी भूख लगी दूध पीना है, तो मैं दूध नहीं पीना बेटा अभी तू कढ़ी चावल खा ले। तो ये देखिए कढ़ी चावल खाना क्या है इसका, देखिए एक ही चम्मच खाई और पानी ढूंढने लग गया। तो जी ये रही है कढ़ी चावल, आइए जी आप भी खा लीजिए कढ़ी चावल।